विनंती करेन अंबापाड़ा माहूल जय मल्हार चांभारली टीम अपन देखे इतना रिपोर्टिंग कराएं है। दोनों संघाचे एक एक सदस्य मी विनंती करते योगेश अतुल रजत एक सदस्य यहाँ अपने जर्सी घेन जाए कनतर अंबापाड़ा टीम संघनायका देखी विनंती है अपन देखू अपनी जर्सी घेन जाए खूब चांगली स्पर्धा चांगल आयोजन बयाच कालावधि नर पुनः एकदा रायगढ़ टेनिस क्रिकेट का वेल फिनिशर बारक्या कंबड़ेला पुनः एक मैदान पर पहार आहोत। जवल जवल दोन वर्ष ये खेलाड़ू मात्र ग्रामीण टेनिस क्रिकेटपासन अलिप्त राहिले होते जैसे खऱ्या अर्थाने रायगढ़ टेनिस क्रिकेट का दर्जा अपने उल्लेखनीय कामगिरी जोरावती वाढ़ाला तो खेलाड़ मात्र पुनः एक संधि मिलते हैं स्पर्धे में खेलने साठी तेनाली शुभेच्छा देवया। सर गोलंदाजी मार्ग मधी गोलंदाज अलंकार कोहली साई सार्थक वन अंडर 22 संघ आणि समोर फलंदाज आहे यावेळेस मात्र परेश मात्रे पहिलाच बॉल अकूट टप्प्याचा होता यावेळेस मात्र बॉलला आडव्या बॅटने फेकून दिलाय वाइडेश लॉंगोंच्या डोक्यावरून येणारा हा दर्जेदार षटकार सुरुवात अशी केली आहे तर शेवट कसं होईल हा देखील प्रश्न पडला असेल सर्वांना परंतु साई सार्थकवान अंडर 22 संघ देखील तेवढाच ताकदवर आहे हे क्रीडांगण त्यांच्यासाठी खूप नशीबवंत राहिले आतापर्यंत आपण पाहिले। अलंकार कोहली पुन्हा एकदा बॉलिंग मागवती यावेळेस मात्र गती परिवर्तन चेंज ऑफ पेस थोडासा टप्पा पडतोय त्यानंतर बॉल डीप राहिला सरळ चालला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये कमबॅक केलंय पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र परेश मात्रेला आपण सातत्याने पॉवर दाखवताना पाहिलं एक ओपनिंग ब्लास्टर म्हणून या खेळाडूला संबोधत कामोटे संघाचा तो फलंदाज पुन्हा एकदा स्ट्राइकिंग एंडकडे असेल परेश मात्रे रटमोर्त विकेट अलंकार अकूट टप्प्याचा बॉल इथे देखील फटका चांगला आहे यावेळेस मात्र हा पॅरेलल स्ट्रोक येतोय सहा धाव्यासाठी षटकार खूप चांगली फटकेबाजी झाली मैदानामध्ये इथे मात्र कमबॅक करावा लागेल अलंकार कोळी या गोलंदाजाला ब्रेक थ्रू खूप महत्त्वाचा असेल गवन संघासाठी चांगला गोलंदाज आहे अंडर 22 हा संघ आहे सर्व 22 वर्षाचा आतील खेळाडू ओवर द विकेट अलंकार यावेळेस मात्र जमीनला घरंगळत अलॉंग द कार्पेट फटका चांगला थ्रो देखील सुंदर झालाय आणि त्यानंतर मात्र पंच योग्य निर्णय देतील यस तिसऱ्या पंचाची मागणी केली गेली आमचे 12th मॅन आहेत आणि तर आमची कमिटी आणि आमचे दोन्ही खेळाडू आपण बघा स्क्रीनवरती तुम्हाला सर्व गोष्टी यावेळेस मात्र तुम्हाला न्याय मिळेल आणि पंचांचा निर्णय आमच्यामध्ये तिसऱ्या पंचाचा निर्णय आमच्यामध्ये पोहोचेल योग्य निर्णय मात्र तुमच्यापर्यंत पोहोचेल याच दरम्यान आमचे सन्माननीय पाहुणे प्रणीत पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय एक डॅशिंग हँडसम आणि या यंग असं पर्सनॅलिटी असणारे आमचे व्यक्तिमत्व प्रणीतजी पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालंय वेलकम आपलं सरचे स्वागत तर निर्णय येतो पंचांचा या ठिकाणी नॉट आउट यावेळेस मात्र आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षित पोहोचलाय तो म्हणजे परेश मात्रे हा खेळाडू तिसरे पंच म्हणून आमचे मुख्य आयोजक या ठिकाणी मिलिंद ठाकूर यांनी मात्र हा निर्णय दिलाय खूप चांगलं असं मात्र कार्य त्यांच्या माध्यमातून होताना आपण पाहिलं यावेळेस मात्र सुटकेचा निश्वास घेतला असेल परेश ठाकूर मात्रे या फलंदाजाने नॉन स्ट्राइकिंग एंडकडे त्यानंतर मात्र स्ट्राइकिंग एंडला आलाय सोनू पाटील रटम ओवर द विकेट अलंकार कोहली तब्बल 13 धावा स्कोर कार्डमध्ये लागल्या गेल्यात इथे बॉलला उडवायचं होतं मिडऑफच्या डोक्यावरून मिडऑफचा शतरक्षक चेंडू खाली आलाय प्रयत्न भरपूर केले परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र बॉल हातामधून स्किड झाला आणि त्यानंतर मात्र या दोन धावा पूर्ण केल्या दोन्ही खेळाडूने एफर्ट लावला होता खूप चांगला प्रयत्न या खेळाडूने केला कारण मागच्या दिशेने आला होता शतरक्षक त्या ठिकाणी गबन संघाचा शिवतेज
अनिकेत माफी असावे, अनिकेत हा क्षेत्ररक्षक होता मिडॉपमधला, त्याने मात्र प्रयत्न जरूर केले, दोन धावा मात्र मिळतील त्या म्हणजे जहनमन क्रिकेट संघ कामोडा टीमला. राईट आर्म ओवर द विकेट, यावेळेस देखील फुलर लेन पद्धत चेंडू होता, ऑनसाईडमध्ये ड्राईव्ह केला सोनू पाटील, डीपमधला क्षेत्ररक्षक बॉल खाली येतोय आणि दोन क्षेत्ररक्षक मात्र दुसरी रन कंप्लीट करण्याच्या इराद्यामध्ये होते, म्हणजे शेवटच्या क्षणाला हा नकार दिला गेलाय. अंबापाडा टीम संघ नाही किती आलेला आहे मी, चांभारी टीम रजत योगेश अतुल एकाने यायचा इथं जर्सी घेऊन जापले. चांभारी संघाचे खेळाडू एक सदस्य यायचा आणि आपल्या जर्सी घेऊन जायचे आहेत. अंबापाडा संघाचा संघ नाही किती पोहोचलाय, प्लीज आपण देखील या, खूप चांगला सामना, पहिल्या सत्रामधला हा शेवटचा सामना असेल. या ठिकाणी संघ आहे जय मल्हार चांभारली विपक्ष अंबापाडा, या दोन टीमच्या दरम्यान ही लढत असेल. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये मात्र जहनमन कामोटा विपक्ष साई सार्थ गवान अंडर 22 हा सामना आपण पाहतो मैदानामध्ये. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ इथे समाप्त होतो आणि तब्बल 16 धावा स्कोअर कार्डमध्ये लागल्या गेल्यात. सुस्थितीमध्ये आहे पहिल्या षटकामध्ये जहनमन कामोटा संघ. नवीन बॉलर नवीन गोलंदाज यावेळेस बॉलिंग मार्गमध्ये तयार होतोय, दीपराज कोळी. अंडर 17 हा खेळाडू आहे, 17 वर्षाचा खेळाडू आहे आणि समोर मात्र तुम्ही पाहता या ठिकाणी सोनू पाटील या खेळाडूला. सेकंड ओव्हर बॉलिंग मार्गमध्ये दीपराज कोळी आमच्या अतिथी मंच एंडकडून बॉलिंग मार्गमध्ये तयार. राईट आर्म ओवर द विकेट, यावेळेसमध्ये ड्राईव्ह केला बॉलला, शॉर्ट पिट विकेटमध्ये खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय, क्विक सिंगल पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होता. बॉल फॉलो थ्रूमध्ये येण्या अगोदर मात्र या ठिकाणी गोलंदाजचा हात या स्टॅनमध्ये आदळतोय. चांभारली संघाचा खेळाडू खऱ्या अर्थानं तुम्ही पाहता या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मात्र त्यांनी आपली एक मोठी छाप सोडली आहे. अप्रतिम असा खेळाडू, स्वभावामध्ये नम्रपणा आणि एक दर्जेदार आक्रमक असा बॅट्समन आणि ऑलराऊंडर खेळाडू रजत मुंडे यांना विनंती आहे आपण यायचं आहे व्यासपीठावरती. आमच्या आयोजन कमिटीच्या विनंती मात्र वतीनं मात्र आग्रहाची विनंती, रजत मुंडे यायचं आपण. इथे इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता परेशचा, फटका फसला गेला, त्यानंतर मात्र झेल कॅरी केला आणि पहिला धक्का बसतोय तो म्हणजे जहनमन कामोटा टीमला. परेश मात्रे बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर एक विशेष सूचना आहे जो संघ क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला, 5 षटकासाठी तुम्हाला 25 मिनिटांचा अवधी दिला जाईल आणि आपण शॉर्ट टीम मीटिंग करा ही सूचना मात्र आमच्या आयोजन कमिटीकडून आली आहे आणि या सूचनेचा आपण पालन कराल ही आम्ही अपेक्षा करू. कारण चांगले संघ आणि शिस्तबद्ध क्रिकेट तुम्ही मैदानावरती पाहताय. प्रत्येक संघाला आणि संघनायकाला विनंती आहे आपण शॉर्ट टीम मीटिंग करायची आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाला आहे तो म्हणजे चेतन गोवारी. यावेळेस मात्र तुम्ही पाहता या ठिकाणी धावसंख्या लागली आहे स्कोअर कार्डमध्ये 17 गडी 5 झाला 1. दीपराज पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्गमध्ये, फुल टॉस पद्धत चेंडू, यावेळेस मात्र ऑन साइड मध्ये चेंडूला फेकून दिलाय सोनू पाटीलच्या पॅटमधून येणारा हा दर्जेदार षटकार. दीपराजनं फेकलेला हा फुलटॉस बॉल आणि त्यावरती मात्र केलेलं आक्रमण षटकार होतोय सोनूच्या पॅटमधून. पुन्हा एकदा दीपराज बॉलिंग मार्गमध्ये तयार होतोय. राईट आर्म ओवर द विकेट, कम बॅक करावा लागेल या गोलंदाजाला. समोर सोनू, अकूट टप्प्याचा बॉल, खूप चांगला स्ट्रोक, स्वीट साऊंड तुम्ही ऐकलाय, बॉल थांबणार नाहीये, बॉल सरळ चाललाय, वन बाउन्स ओव्हर द रोप, सीमा पार, चौकार. रोशन मात्रे बारका कांबळेसारखे खेळाडू असताना मात्र सोनू पाटीलला सलामीला प्रमोट का केलं हे दर्शवतात मात्र या ठिकाणी सोनू पाटील हा खेळाडू. इथे मात्र बॉलला उडवलं, शॉट एक्स कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, आणखीन एक धक्का बसतोय तो म्हणजे जहनमन कामोटा टीमला. सोनू पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन.
थैंक यू साहिल कोळीनं मात्र हा झेल पकडलाय आणि त्यानंतर मात्र सोनू पाटील बाद झालाय. मी बॅटिंग करणाऱ्या टीमला देखील विनंती करेन जेव्हा फलंदाज बाद होईल तेव्हा आपला नवीन पद्धत लगेच आपण रेडी पोझिशनमध्ये राहायचं ज्यामुळे कमी वेळ नक्कीच लागेल आणि आमचा वेळ वाचेल आयोजकांचा. त्यासाठी आपण देखील सहकार्य करा. चांगलं आयोजन आणि चांगलं नियोजन तुम्ही इथे पाहताय. या ठिकाणी सोनू बाद झाला नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावरचा बारक्या कांबळे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. दीपराज कोळी यावेळेस देखील लोअर फुल टॉस बॉल चेतन गोवारीसाठी ऑन साइड मध्ये खेळून काढलाय. मनगटी ताकदीचा वापर बॉल चालला सरळ बाउंड्रीच्या बाहेर सहा धावेसाठी आणखीन एक चांगला स्ट्रोक षटकार. चला शॉर्ट टीम मीटिंग करा. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय या ठिकाणी साई सार्थ गव्हाण अंडर 22 संघाला पंच आपण त्या ठिकाणी आपण त्यांना वॉर्निंग द्या. टीम मीटिंग कमी करा. 33 धावा पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आणि त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये 17 धावा अशा एकूण मात्र 33 धावा जर्मन कमोडिटी संघाच्या स्कोर कार्डमध्ये लागल्या गेल्यात. मधल्या फळीतील दोन खेळाडू चेतन गोवारीचा आपण फटका पाहिला ज्या चेतननं कसलकर नाईट स्पर्धेमध्ये आपली छाप सोडली होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटचा मानकरी ठरवता बाईक प्राप्त करणारा हा खेळाडू तर दुसऱ्या बाजूनं मात्र एक व्यावसायिक क्रिकेटर ज्याच्या नावावरती मात्र अनेक बक्षिसं आणि पारितोषिके आहेत असा बारक्या कांबळे. नवोदित गोलंदाज यावेळेस मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये सज्ज होईल तो म्हणजे साई सार्थ गव्हाण अंडर 22 संघाचा कुणाल कोळी. कुणाल कोळीकडे नक्कीच क्षमता आहे. यावेळेस मात्र कमबॅक करावं लागेल आपल्या टीमसाठी. समोर प्रतिभावंत खेळाडू बारक्या कांबळे असताना मात्र यावेळेस नक्कीच कंबर कसावी लागेल आणि या प्रयत्नांची परकक्षा देखील करावी लागेल. चांगला स्पेल टाकावा लागेल या ठिकाणी कुणाल कोळी या गोलंदाजाला. रॅडम ओवर द विकेट शफल झालेत बारक्या आणि पहिल्याच बॉलवरती मात्र अवकाशाला गवसणी घालणारा षटकार येतोय. यावेळेस मात्र बारक्या कांबळेच्या बॅटमधून रायगड ठाण्यात फेमस झाला यो बारक्या बॅटमन का मोठे वाला या रायगड ठाण्यात फेमस झाला. अप्रतिम समय सूचकता डीजेची आणि ही खऱ्या अर्थानं ओळख आहे बारक्या कांबळेची. पहिला बॉल फेस केला या इनिंगमध्ये आणि पहिल्या बॉलला मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या डोक्यावरून फेकून दिलं सहा धाबेसाठी हा षटकार. आता मात्र या सामन्यामध्ये नक्कीच कामोटे संघ मात्र मोठ्या गतीने पुढे वाटचाल करतोय आणि यावेळेस मात्र बारक्या शफल झाला बॉलला लेफ्ट केला आणि त्यानंतर मात्र बॉलने सरळ फेस घेतला यष्ट्यांचा. त्रिफलाची दो फलंदाज बारक्या कांबळे. काय चेंडू फेकलाय कुणाल कोळीनं. बारक्याला वाटलं होता लेग स्टम्प सोडून चालला की काय बॉल, परंतु लेग ब्रेक केला बॉलला आणि त्यानंतर मात्र बारक्याच्या यष्ट्या वाकवल्या. खूप चांगल्या आत्मविश्वासानं मात्र गोलंदाजी करतो मैदानाच्या आतमध्ये कुणाल कोळी हा गोलंदाज. टीमची धावसंख्या जर आपण पहिली धावफलकावरती लागली आहे ती म्हणजे 39. कुणाल कोळीचं हे षटक बारक्याला देखील या चेंडूवरती विश्वास नसेल एवढा चेंडू मात्र आतमध्ये वळण घेणारा उतरला आणि त्यानंतर मात्र विकेट. चांबारी टीमचे देखील सदस्य ते पोहोचले. जर्सी घ्या आपण परिधान करा. त्यानंतर लगेच या पहिल्या इनिंगनंतर टॉस होईल. अंबापाडा विपक्ष जय मल्हार चांबार या दोन संघादरम्यान. कुणालचा बॉल खोलवर टप्प्याचा बॅक टू बॅक दुसरा धक्का बसतोय. सुबोध गुवारीला मात्र आल्या पावली माघारी परतावा लागेल. आणखीन एक धक्का काबोटे संघाला. जीवनाच योगदान दिवा पाटलानी दिल जीवनाच योगदान दिवा पाटलानी
केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलांनी, केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलांनी, केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलांनी। देशातील शेतकऱ्यांना भूमिपत्रांना 12.5% कायदा देणारे लोकनेते स्वर्गीय दिवंगत दिबा पाटील साहेबांना मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुजरा। खूप चांगलं संगीत तुम्ही ऐकताय, खऱ्या अर्थानं समाजासाठी लढणारे हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं संगीत तुम्ही इथं ऐकलंय। बॉलिंग बागमध्ये कौतुक करावं लागेल कुणाल कोहलीचं। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय, मधल्या फळीतला सर्वोत्कृष्ट खेळाडू कामोटे संघाचा रोशन मात्रे मात्र स्ट्रायकिंग एंडकडे। विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती बॉल हवेमध्ये भरपूर उंची घेतली आहे, क्षेत्ररक्षक मात्र बॉडी बॅलन्स ठेवावा लागेल। शेवटच्या क्षणाला मात्र हा झेल पकडलाय, जोरदार डायमध्ये या खेळाडूसाठी झाल्यात अप्रतिम कामगिरी, लगातार 3 विकेट। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव। कुळ कायद्यासाठी गुलाबा म्हणजे आपल्या रायगड जिल्ह्यात पहिला लढा उभारणारे 1983 महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असणारे स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब। मैदानाच्या आतमध्ये कुणाल कोहलीनं मात्र छाप सोडली आहे, ज्या खेळाडूवरती बहुचर्चित रायगड प्रीमियर लीगमध्ये अक्षरशः सर्व संघ मालकांमध्ये चुरस निर्माण झाले तो खेळाडू होता रोशन मात्रे, आणि तो त्याचं सिलेक्शन मात्र आकाश तारीकरच्या टीममध्ये झालं, त्याला देखील आपण शुभेच्छा देऊया। इथे मात्र सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय चेतन गोवारीनं, चेतन देखील ओळखलंय, आणि इथे मात्र हा नशिबाचा चौकार। खूप चांगला बॉलिंग परफॉर्मन्स दाखवला, परंतु शेवटच्या झाला मात्र हा चौकार होतोय कामोटे संघासाठी। कुणाल कोहलीचं मात्र हे मॅजिकल षटक ठरेल साई सार्थक आव्हान अंडर 22 संघासाठी। 3 विकेट या खेळाडूनं घेतल्यात आणि काय एफर्ट लावला आपल्या संघासाठी, संघर्षमय क्रिकेट तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहताय। चेतन शफल झाला होता, त्यानंतर मात्र तुम्ही पाहताय लेगस्टिकच्या वरून बॉल चाललाय आणि आणखीन एक डॉट बॉल, प्रेशर क्रिएट केलं यावेळेस मात्र कुणाल कोहली या गोलंदाजाने। 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद 43 धावसंख्या मात्र स्कोअर कार्डमध्ये लागली गेली आहे। शॉर्ट टीम मीटिंग करा, मी कृपया विनंती करतोय या ठिकाणी साई सार्थक आव्हान अंडर 22 संघाला। अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी, या डेथ ओव्हर मध्ये मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करावा लागेल, जरा पाणी घेऊन जायचं आहे। मी कमिटी मेंबर्सना विनंती करतोय, ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये होईल, तोपर्यंत आपण ऐकूया सुमधुर संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून। प्रकल्पग्रस्त होतात म्यांनी घेतल्यानं छाती वर घाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव। थँक यू, थँक यू डीजे। त्या ठिकाणी एक ऑटो रिक्षा आहे बघा त्या ट्रकच्या मागे, त्या रिक्षा चालकाला मी विनंती करतोय, आपल्या काचेचा रिफ्लेक्शन आमच्या इथे व्यासपीठावरती येतोय। त्या ट्रकच्या मागे एक ऑटो रिक्षा आहे, त्यामध्ये प्रेक्षक बसलेत, सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांना मी कृपया विनंती करतोय आपल्या रिक्षाचा रिफ्लेक्शन मात्र इथे येतोय, प्लीज सहकार्य करा। येस, आपल्या पाठीमागचा रिक्षा चालक, मी विनंती करतो त्या रिक्षा चालकाला, रिक्षा थोडी क्रॉस करा, 2 रिक्षा आहेत बघा व्हाईट फोर व्हीलर कारच्या मागे। हां, आता तो प्रेक्षक उठला छोटा, त्याच्या ती रिक्षा बाजूला करा, थोडी रिफ्लेक्शन येतो काचेचा आणि या थोडासा इथे व्यत्यय निर्माण होतोय। 3 षटकांचा खेळ संपला आणि या तब्बल 5 गडी बाद 43 धावसंख्या स्कोअर कार्डमध्ये लागली गेली आहे। 16.33 या सरासरीनं मात्र पहिल्या 3 षटकामध्ये चांगली बॅटिंग केली, 14.33 माफी असावी ही सरासरी आपण पाहतोय पहिल्या 3 षटकामध्ये। इथून येणारे 2 षटक अतिशय निर्णायक असतील।
अलंकार कोळी या सत्रातील सेकंड स्पेल अटॅक फेकेल. समोर असेल फलंदाज तो म्हणजे कामोटे संघाचा निखिल गोवारी. प्रमुख फलंदाज पास झाले त्यांना तर मात्र मधल्या फळीतील खेळाडू कशा रीतीनं मात्र या ठिकाणी मोठा टार्गेट सेट करतील हे देखील पाहावं लागेल. चला स्पीडअप करा. अलंकार पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कमध्ये. राईट आर्म ओवर द विकेट. समोर असेल निखिल. यावेळेसचा पहिलाच बॉल खूप चांगला स्ट्रोक परफेक्ट मिडल ऑफ द बॉल बॅट यावेळेस मात्र बॉलला फेकून दिलंय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सहा धावेसाठी हा दर्जेदार षटकार. स्पर्धेचे आमचे मुख्य आयोजक अजितदा ठाकूर भरपूर मेहनत त्यांनी मात्र या संपूर्ण स्पर्धेला घेतली आहे. माननीय मान्यवरांना मात्र सन्मानपूर्वक या ठिकाणी त्यांच्यासोबत प्रस्थान करून दिलं आणि या इथं मात्र या पहिल्या बॉलवरती निखिल गोवारीच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय. गोलंदाज तयार अलंकार एज लागली बॅकवर्ड क्षेत्राकडे बॉल ट्रॅव्हल करतोय. खूप चांगल्या पद्धतीने डिपेंड केलं बॉलला. इथे मात्र कमबॅक केलं शेफर होऊन घेण्याचा प्रयत्न होता. चेतन गोवारी नॉन स्ट्रायकिंग एंडकडे आहे आणि समोर आहे तो म्हणजे निखिल गोवारी. आतापर्यंत आपण पाहिलं अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती आला आहे जय हनुमान कामोटे संघ. 49 धावा स्कोर कार्डमध्ये लागल्या गेल्या. चौथं षटक या ठिकाणी मार्ग असताना जय मल्हार चांभारली आणि आंबापाडा संघाच्या कॅप्टनना आपण विनंती करूया या पण टॉससाठी. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. खूप चांगली गोलंदाजी कमबॅक करतोय मैदानाच्या आतमध्ये अलंकार कोळी हा गोलंदाज. यावेळेसचा मात्र बॉल आपण पाहिला सब मरीन डिलेव्हरी टप्पा पडला थोडासा बॉल डीप राहिला सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये गेला आणि त्यानंतर मात्र दोन चेडूवधी कमबॅक केलंय अलंकार कोहली या गोलंदाजानं. खूप मोठा सामना बिग बॅटल यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. निखिल गोवारी पुन्हा एकदा स्ट्राकिंग एंडकडे तयार. गोलंदाजी मार्गमध्ये अलंकार लोअर फुल टॉस बॉल आठव्या बॅटनं मात्र बॉलला फेकून दिलंय मिड विकेटच्या डोक्यावरून सहा धावेसाठी हा षटकार. या षटकाराच्या मदतीनं मात्र अर्धशतक देखील पूर्ण झालंय. 55 धावा स्कोअर कार्डमध्ये लागल्या गेल्यात. बॅलन्स आहे कामोडे संघ. मधल्या फळीतील खेळाडू सातव्या क्रमांकाचा निखिल गोवारी मात्र आपली गुणवत्ता सिद्ध करतो मैदानामध्ये. अलंकार कोळी पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्गमध्ये तयार. यावेळेसचा बॉल तुम्ही पाहताय आतली कडा घेऊन बॅकवर्ड क्षेत्राकडे चाललाय. निखिलनं पहिल्या बॉलमध्ये षटकार लागवला त्यानंतर दोन चेंडू निर्धाव चौथ्या बॉलमध्ये षटकार आणि पाचवा चेंडू देखील निर्धाव फेकलाय अलंकार कोळी या गोलंदाजानं. साई सार्थ गवान अंडर 22 संघ आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये आहे. टॉस जिंकल्यानंतर मात्र प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते म्हणजे जय हनुमान कामोटे संघाला. श्वान पथक देखील मैदानामधून रवाना होत असताना खूप चांगला क्रीडांगण आहे. दुपारचं सत्र तुम्ही पाहता क्लायमेट देखील खूप सुंदर क्रिकेटसाठी पोषक वातावरण. यावेळेसचा आणखीन एक चांगला चेंडू एक चेंडू षटकार लगातार दोन चेंडू निर्धाव चौथा चेंडू षटकार त्यानंतर लगातार दोन चेंडू निर्धाव हे विश्लेषण राहिलं या षटकाचं. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली अलंकार कोळी या गोलंदाजाने. तीन तुम्ही पाहता या ठिकाणी 55 वर 5 विकेट. यावेळेस मात्र एक नेल्सन फिगर तुम्हाला माहिती स्कोअर कार्डमध्ये पाहायला मिळेल ज्या पद्धतीने बॅटिंग केली. चला मी जय मल्हार चांभारे टीमचे कॅप्टन आणि अंबापाडा टीमच्या कॅप्टनला इथे आमंत्रित करतोय. आपण लगेचच हे सत्र समाप्त होण्यापूर्वी टॉससाठी इथे यायचं आहे. आणखीन एक मोठी लढत तुम्ही इथे पाहणार आहात जय मल्हार चांभारली विपक्ष अंबापाडा. आणि पुन्हा एकदा मी विनंती करतोय या ठिकाणी रायगडचा एक खूप चांगला अष्टपैलू क्रिकेटर कमी वेळामध्ये कमी कालावधीमध्ये मात्र ज्याने स्वतःला सिद्ध केलं आज मात्र आपण पाहतोय प्रत्येक नवोदित खेळाडू त्याचा आदर्श घ्यावा असा एक आदर्शवान खेळाडू चांभारली संघाची रन मशीन रजत मुंडेला इथे आपण विनंती करूया. या आपण व्यासपीठावरती आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीनं आपल्यास प्रेमाची विनंती आहे आपण यायचं आहे. एक विशेष सन्मान या ठिकाणी केला जाईल रजत मुंडे या खेळाडूचा आदर्शवान असा खेळाडू चांभारली संघाचा रजत मुंडे या आपण व्यासपीठावरती. तर जाऊया मॅचकडे. शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हरचं. बॉलिंग मार्कमध्ये अक्षय देशमुख लेफ्ट हँड राऊंड विकेट बॉलला उडवलंय ऑन साइड मध्ये चेतन गोवारी नावाचं वादन मात्र मैदानावरती गोंगावलंय. आणखीन एक षटकार येतोय कामोटे टीमसाठी.
थँक्यू डीजे. चला अंबापारा टीमचे कॅप्टन आणि जय मल्हार चांभारी टीमच्या संघाने का पण टॉससाठी यायचं आहे. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय अंबापारा टीमचे कॅप्टन आणि जय मल्हार टीमचे कॅप्टन आपण या टॉससाठी दोन्ही टीमचे संघाने किती आलेले आहेत. मी मान्यवर आणि ते विनंती करतोय आमचे सन्मान्य पाहुणे आदरणीय प्रणित पाटील साहेबांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते टॉस संपन्न करायचा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन अंबापाडा विपक्ष चांभारली हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर या सामन्याचा नाणेफेकीचा गोल केला जातोय. उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नियमावली सांगली जाते हेलियाटेल्स. आणि यावेळेस मात्र नाणेफेकीचा गोल जिंकला आंबापाडा संघाने तर नक्कीच आपण थांबायचं. आंबापाडा संघाच्या कर्णधार प्रथमतः आपला निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करणार तर नक्कीच क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. चांभारली संघ असेल रजत मुंडे सारखे मार्थबल खेळाडू असेल तर कितपर्यंत धावसंख्या रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो. येस धन्यवाद. तर पाहूया ही प्रतिक्रिया होती आणि पुन्हा एकदा उडिया कॉम बॉक्समध्ये रोशन पाटील सरांकडे. आणखीन एक चांगली कामगिरी सांघिक यश मात्र मिळते ते म्हणजे साई सार्थ गव्हान अंडर 22 संघाला. फलंदाज बाद होईल यावेळेस मात्र निखिल गोवारी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललाय कामोटे संघाचा. साहिल गोवारी नवोदित खेळाडू मैदानामध्ये चाललाय. टीमची धावसंख्या आपण पाहिली आतापर्यंत स्कोअर कार्डमध्ये लागली गेली ती म्हणजे 64. शेवटचा षटक आपण पाहतोय 65 धावा. अक्षय देशमुखच्या ठिकाणी मार्गस्थ असेल. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट समोर चेतन शफल झाले. त्यानंतर मात्र तुम्ही पाहता या ठिकाणी फलंदाजाला फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि पंच मात्र या ठिकाणी मात्र एक योग्य निर्णय देतील. जय पवार सर आहेत. रजत मुंडे पुन्हा एकदा आमच्या आयोजकांची एक आपणास प्रेमाची विनंती आग्रहाची विनंती या पण व्यासपीठात आपला विशेष सन्मान मात्र या व्यासपीठात केला जाईल. एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू चांभारली संघाचा. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा बॉलर. इथे देखील फुलर लेन बॉल होता आणि त्यानंतर मात्र यष्टीरक्षकाने दाखवलेली चपलाई आणखीन एक धक्का बसतोय तो म्हणजे जर्मन कामोटे संघाला. पासष्ट धावसंख्येवरती मात्र आणखीन एक धक्का बसलाय यावेळेस मात्र तुम्ही पाहता कामोटे संघाला. जबल जबल हा सातवा फलंदाज बाद झालाय आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय जितेश म्हात्रे. खूप चांगली बॅटिंग केली आहे चेतननं एका बाजूनं. नवीन फलंदाज मात्र उर्वरित चेंडूचा फे या ठिकाणी सामना करण्यासाठी गेलाय जितेश. चांगलं टार्गेट चांगलं टोटल या ठिकाणी मात्र सेट केलंय अंबापाडा संघ म्हणजे सचिन काटकरच्या संघानं मात्र टॉस जिंकलाय आणि त्याच्या अपोजिटला असेल तो म्हणजे जय मल्हार चांभारली संघ. या दोन संघामध्ये एक मोठी लढत तुम्हाला या नंतरच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. रजत मुंडे पुन्हा एकदा आपणास इथे मी विनंती करतो या आपण व्यासपीठावरती या षटकातील पुढचा बॉल. लेफ्ट ऑन ओवर द विकेट डावकराचा फलंदाज जितेश म्हात्रेनं मात्र अलॉंग द कार्पेट जमीनला घरंगत मात्र फटका खेळून काढलाय. परंतु तेवढंच चांगला एफर्ट फुटवर्कचा वापर केला आणि त्यानंतर मात्र या ठिकाणी बॉलला डिपेंड केलाय. दोन धावा किमान वाचवले या क्षेत्ररक्षकानं आणि या दोन धाव्याने मात्र पहिलं सत्र इथे समाप्त झालंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्ती अखेर टीमची एकूण धावसंख्या मात्र स्कोर कार्डमध्ये लागली गेली आहे ती म्हणजे 7 गडी बाद 67 धावा. तर प्रमुख मान्यवर प्रश्न आपल्या व्यासपीठावर दिसत आहेत. तर प्रमुख मान्यवरांमध्ये प्रणितजी ठाकूर पाटील साहेब यांचं आगमन झालंय. त्यांचं स्वागत मी विनंती करतोय आमच्या आयोजक करते या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा लंकेशदादा ठाकूर यांच्या शुभहस्ते आदरणीय सन्मान्य प्रणित वासुदेव पाटील साहेब यांचं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मायेची उबदार शाळ मांगल्याचं प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मानचिन्ह देऊन त्याचा यथोचित मानसन्मान दोन्ही आमच्या आयोजककर्त्यांनी जोरदार टाळ्यांचा प्रतिसाद द्यायचा आहे मित्र हो. तदनंतर विनर भोईर साहेब यांचंसुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत केलं जाईल आमच्या या आयोजककर्त्यांच्या माध्यमातून. रोशन असं म्हटलं जातं की दिव्याला दिवा जोडत गेला की दीपमाल तयार होते, फुलाला फुलमाल
फूल जोडत गेला की फुलमाल तयार होते आणि माणसाला माणूस जोडत गेला तर माणुसकीचं एक सुंदर नातं तयार होतं आणि ते नातं आमचे आयोजककर्ते स्वतः जपताना दिसतात. त्यांचं सहर्ष स्वागत विनय भोईर साहेब यांचं स्वागत तदनंतर दिनेशजी पवार साहेब यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाईल. या आमचे प्रिन्स इलेव्हन ट्रॉफीचे आयोजककर्ते सर्वे सर्वा त्यांच्या शुभहस्ते प्रत्येक अतिथीचं यथोचित मानसन्मान आमच्या आयोजककर्त्यांच्या माध्यमातून मायेची उबदार शाल मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि जोरदार टाळ्यांचा प्रतिसाद द्यायचा आहे. अतिथी हा देवासमान आणि तसंच त्याचं पूजन केलं जातं आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रिन्स इलेव्हन ट्रॉफी 2021 प्रिन्स ट्रॉफी तर शानदार हा कारवा घडताना दिसतोय आणि या आजच्या पोलमधला हा तिसरा सामना पाहायला मिळतोय. आणि या ज्या खेळाडूची आपण वाट पाहत होतो रजत मुंडे रायगडचा एक जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी करणारा खेळाडू यावेळेस मंचावर येताना दिसतोय. जोरदार टाळ्याने त्यांचं पहिलं स्वागत करूया या प्रिन्स इलेव्हन ट्रॉफीमध्ये. एक अष्टपैलू कामगिरी आणि ज्याच्यावर नावावर दोन बाईक्स मॅन ऑफ द सिरीजचे आहेत असा खेळाडू आज या प्रिन्स इलेव्हन ट्रॉफीच्या आमच्या आयोजककर्त्यांचा आदर सन्मान स्वीकारण्यासाठी ते उपस्थित झाला आहे. त्याचं सहर्ष स्वागत आमच्या आयोजककर्त्यांच्या माध्यमातून केलं जाईल. तो तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत दोस्तों. खास तौर पर कामोटी क्रिकेट टीम के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है. हमारे दोस्त सुशांत जी पाटिल यानी कि हास्य सम्राट जिनको कहते हैं उनके तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है कामोटी क्रिकेट टीम के लिए. खासतौर पर बारक्या कामले रोशन परेश सभी उनकी टीम मेंबर्स के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है. लेकिन टीम साई सार्थ गवहान क्रिकेट टीम के सामने 67 रन उठे बने और 68 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. पांच ओवर्स में बात करेंगे तो यहां पर आपको 15 की रिक्वायर्ड रन बनाने होंगे इस वक्त इस मैदान के अंदर. काफी शानदार वातावरण मैदान के अंदर और इसके बाद जो मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा वो बिल्कुल माहौल अंबापाड़ा विपक्ष बिल्कुल सांभारली क्रिकेट टीम के बीच का काफी बड़ा घमासान देखने के लिए मिलेगा मैदान के अंदर. पहले पोल में की बात करें तो बिल्कुल इस मैदान के अंदर अच्छा खेल माहौल एक तरफ से बिल्कुल माहौल कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम जीत चुकी है. मंगेश वैद्य कल्पेश वैद्य और जहां पर कल्पेश माहुलकर उनकी ये टीम जीत चुकी है पहले चार में से. लेकिन इस वक्त मैदान के अंदर बिग बैटल तैयार हो चुका है. 68 रनों का टारगेट है. इस टारगेट को किस तरीके से पूरा किया जाता है निखिल गोवारी बिल्कुल जादुई गेंदबाज माने जाते हैं अपने टीम के. लेकिन साई सार्थ अंडर 22 गवान भी टीम कम नहीं है. बड़ी बड़ी श्रृंखला में अपना कारनामा अपना हुनर इन्होंने आजमाया है और बड़ी बड़ी टीमों को हार का पानी भी पिलाया है. इस वक्त दो सलामी बल्लेबाज कुणाल कोहली और नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर स्ट्राइक एंड के ऊपर शिवतेज कोहली तो नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर कुणाल कोहली. गेंदबाजी मार्ग पर तैयार यहां पर निखिल गोवारी चाइनामैन गेंदबाज जिनको माना जाता है इस टीम का एक मेन गेंदबाज. पहली ही गेंद आउटसाइड द ऑप्शन अवे फॉर द बॉडी गेंद को रखा और गेंद पहली गेंद डॉट निकलती हुई शुरुआत ताकत भरी निकाह यहां पर बनानी जरूरी होगी. एक फ्लाइंग स्टार्ट बल्लेबाजों ने देना जरूरी होगा. पहली गेंद यहां पर काफी बढ़िया तरीके से लैंड हुई. टॉस गेंद फील्डर तैनात है गेंद को नहीं यहां पर छोड़ेंगे और आसान सा ये कैच दे बैठे बल्लेबाज शिवतेज कोहली और जीरो रन के ऊपर पहला सदमा लगता हुआ सार्थ साई इलेवन अंडर 22 गवान क्रिकेट टीम को. और नाराज होते हुए शिवतेज कोहली खुद से बिल्कुल सही तरीके से गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं और गलत शॉट सिलेक्शन हुआ
और विकेट का पतन इनाट नंबर 3 के पोजीशन पर सनी कोहली। बिल्कुल जड़ में गेंद डालते हुए मौका बन सकता है इस वक्त। तू मैं कॉलिंग कम्युनिकेशन, बिल्कुल थर्ड अंपायर की मांग की जा चुकी है। अब टीवी स्क्रीन के ऊपर हमारे टेक्नीशियन संदेश शेल्की बिल्कुल दिखाएंगे। और बिल्कुल थर्ड अंपायर आउट का इशारा आ चुका है। बिल्कुल क्लोज इनकाउंटर था और काफी बढ़िया तरीके से देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो बिल्कुल यहां पर एक रायगढ़ टेनिस क्रिकेट का एक सबसे बुलंदी खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, बिल्कुल टीम के काफी ताकतवर खिलाड़ी सांभारली क्रिकेट टीम का रजत मुंडे, इनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर शाल और फूलों का गुलदस्ता जोरदार तालियों के साथ। एक बेस्ट खिलाड़ी रायगढ़ टेनिस क्रिकेट का, उनका स्वागत हमारे आयोजककर्ताओं के माध्यम से हो रहा है। काफी बढ़िया खेल उनके माध्यम से, लेकिन इस वक्त गलती यहाँ पर और क्लोज इस वक्त कॉलिंग कम्युनिकेशन, दोनों भी खिलाड़ी नाराज है। विकेट का पतन होता बस सनी कोहली आउट होकर मैदान से बाहर। सफलता मिलते हुए इस समय बाहरी किनारा बिल्कुल एंगल क्रिएट कर रहे हैं। राउंड द विकेट वाली गेंदबाजी जो है, आप जितनी देर तक फुटवर्क करेंगे थोड़ी सी आपको मारने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप क्रीज में खड़े रहेंगे तकलीफ होगी। कारण यही है, गेंद राउंड विकेट, थोड़ा सा कंधा थोड़ा सा राउंड विकेट से घूमता है, इसी के कारण एक एंगल बनता है और बल्लेबाजों को तकलीफ मैदान के अंदर देखने के लिए मिली। इसी के कारण एक रन अब स्कोरबोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 2 गेंदें शेष। इस वक्त ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें अंपायर, 25 मिनट का वक्त, स्पीडअप करें मुकाबला। दोनों भी टीम से अनुरोध निवेदन रहेगा कि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें। राउंड द विकेट, ये बाहर निकलती हुई गेंद, इस बार मिड ऑन, बिल्कुल मिड ऑफ रीजन में फील्डर तैनात रोशन मात्रे गेंद को फील्ड करे, तब तक कोई रन नहीं रुका हुआ, टोटल वही के वही 1 रन। सर्वश्रेष्ठ ओवर घटता हुआ जहां पर जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम के माध्यम से, शायद ये आज फॉर्म में चलने वाली ये टीम है। बढ़िया स्ट्रोक, इस वक्त गैप सिलेक्शन अच्छा है, बारकिया कामले गेंद को नहीं रोक पाएंगे, गेंद दीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले ये दूसरे इनिंग का पहला दमदार 4 रन। चुन्या हरण्याची फेम जोडी पळते उजव्या या साईटवर, पण एक चाट हाय आमची त्या छकड्यावर पाहिजे वाईस हो ड्रायव्हर, पण एक चाट हाय आमची त्या छकड्यावर पाहिजे वाईस हो ड्रायव्हर, पण एक चाट हाय आमची त्या छकड्यावर। इस वक्त यहां पर टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं यहाँ पर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद, 2 विकेट गिर चुके हैं। स्पीड अप करें अंपायर मुकाबला। ज्यादा वक्त जाया ना करें कामोटी क्रिकेट टीम। अब गेंदबाजी के लिए अपने कोठे का पहला तो टीम का दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं रोशन मात्रे। 2 विकेट गिर चुके हैं, यानी कि शुरुआत कामोटी क्रिकेट टीम की अच्छी हो रही है। देखिए मैदान के अंदर से गाड़ी ना चलाइए खास तौर पर। इस वक्त रोशन मात्रे स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए कुणाल कोहली, तो 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर अक्षय देशमुख, आखिरी गेंद के ऊपर चौवा दागा जरूर, लेकिन खास तौर पर एक लंबी इनिंग कुणाल कोहली को सलामी तौर पर आए थे, लेकिन जैसे इनिंग यानी कि फ्लाइंग स्टार्ट, दूसरा पावर प्ले का ओवर रोशन मात्रे अपने हाथ से डालते हुए नजर आ रहे हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट, बिल्कुल यहां पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली ये गेंद, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर रखी गेंद को, बल्ले से दूर रखी बल्लेबाज से, और डॉट गेंद की समाप्ति। अभी तक जो आक्रमण करना जरूरी है वो आक्रमण होना चाहिए,
इस वक्त यहाँ पर देखिए एक और बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्कोर पट्टी पा खाने के बाद गेंद थोड़े से अंदर मुड़ी, इन स्विंग होकर गेंद अंदर आते हुए, मंशा देखिए इस बल्लेबाज की बड़ा स्ट्रोक खेलने की, लेकिन इनके रडार में गेंद नहीं आ रही है, लाइन को परख नहीं रहे है। यहाँ पर इस मैदान के अंदर काफ़ी खूबसूरत तरीके का यहाँ पर मैदान सजाया जा चुका है, लेकिन दबाव अब गवान क्रिकेट टीम के ऊपर बनता हुआ। बड़ा स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड आता वी शेप में, ये स्ट्रोक गेंद रुकेगी नहीं, गेंद फिर से एक बार चार रनों के लिए। देखिए यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर थोड़ा सा पोल को लगा जरूर है, तुरंत पानी और फर्स्ट एड बॉक्स। चलिए मैदान के अंदर तुरंत फील्डिंग की रचना करें, थोड़ा सा इंजरी ज़रूर हुआ लेकिन तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त यह हमारे आयोजककर्ताओं की सक्सेसफुल काम मैदान के अंदर, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है कि फिलहाल अच्छी तरीके के खेल वातावरण थोड़ा सा जो गर्म हुआ था वो ठंडा हो चुका है। ऐसे अगर दुखापत लगती है या कुछ लगता है फिर ऐसा होता जरूर है खेल में रुका। बिल्कुल कामोटे के कोई अतिरिक्त कोई दर्शक हो या चाहने वाला हो तो तुरंत आइए मैदान के अंदर, नाम बताने के लिए तुरंत। फील्डिंग की रचना तुरंत करें, कामोटे के कोई और दर्शक कोई भी हो तो तुरंत आइए 12वें प्रतिनिधि के तौर पर। शांत खेल होता हुआ चलिए फील्डिंग की रचना करें तुरंत। यहाँ पर थोड़ी सी इंजरी जरूर हुई उस खिलाड़ी को, अच्छे यहाँ पर एफर्ट्स लगाने की कोशिश और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के कारण थोड़ा सा बिल्कुल खुद का बैलेंस खो बैठे देखने के लिए मिला, लेकिन मैदान के अंदर दूसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। रोशन मात्री के ऊपर आक्रमण,
कर्तव्य बल्लेबाज कुणाल कोहली उनके बल्ले से निकलता हुआ चौवा। टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब बन चुका है 9 रन, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। रोशन मात्रे अपने कोठे की चौथी गेंद लेकर आएंगे। बल्लेबाज कुणाल कोहली और अक्षय देशमुख, अभी तक कुणाल की बात करेंगे, इन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है 5 रनों के योगदान पर, और अक्षय देशमुख व्यक्तिगत 2 गेंदों का सामना किया 4 रनों के ऊपर खेलते हुए। अब फील्डिंग की रचना हो चुकी है इस वक्त, अब तैयार रोशन मात्रे। फील्डिंग की अगर जायजा देखा जाए तो काफ़ी अटैकिंग पोजीशन वाली फील्डिंग लगाई जा चुकी है। अंदर लाते हुए गेंद को कट कर रहे हैं, यानी कि इन स्विंग वाली गेंदबाजी देखने के लिए मिली। हल्के हाथों से स्टीयर किया गेंद को, गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रीजन में जाती हुई, तब तक सिंगल पूरा किया। टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद बन चुके हैं। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय देशमुख, जिनका बल्ला बोलना जरूरी है इस वक्त, रनों की जरूरत है और रन बहने जरूरी है, क्योंकि 68 रनों का पीछा करना है 10 रन, अभी तक 58 रनों की आवश्यकता है टीम को जीतने के लिए। इस ओवर की 2 गेंदें शेष, यानी कि 20 गेंदों का खेल बाकी है। बड़ा स्ट्रोक, अक्षय देशमुख कड़क रहे हैं मैदान के अंदर, बिल्कुल यहां पर परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट हुई बॉल और गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, प्यारालाल 6 रन में कन्वर्ट की। टोटल स्कोरबोर्ड पर इस छक्के के साथ अब 16 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, धीमी गति की गेंद, इस बार देखिए लेग ब्रेक की ये गेंद थी और इस वक्त डॉट गेंद की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर 16 रन, पहली ओवर में आए थे 5 रन और दूसरी ओवर में आए बिल्कुल यहाँ पर 11, लेकिन पहली ओवर में 2 विकेट आए थे, 1 रनआउट का और 1 यहाँ पर कैच आउट, यानी कि 2 विकेट लिए थे गेंदबाज निखिल गोबारी ने, अच्छा स्पेल उन्होंने डाला। लेकिन इस वक्त इस ओवर में रोशन मात्रे ने खर्च किए, पहली 2 गेंदें डॉट डाली, तीसरी गेंद चौवा, चौथी गेंद एक सिंगल, उसके बाद 5वीं गेंद छक्का और 1 और डॉट गेंद आई, यानी कि अच्छी यहाँ पर जो स्टार्ट मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, 16 ही रन बना पाए पावर प्ले के इस स्पेल में। लेकिन आने वाले 18 गेंदें जीत के लिए अभी तक हमारे स्कोरर दोस्त बता रहे हैं कि 52 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता, यानी कि आप धुलाई करनी होगी, खाद ऐसा गेंदबाज के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना होगा उस गेंदबाज के ऊपर। हम कहते हैं कि एक आध ऐसा कमज़ोर गेंदबाज ढूंढिए जिसके ऊपर आक्रमण दोनों तरफ से होना जरूरी है। इस वक्त अपने स्पेल का पहला तो टीम का 3रा ओवर लेकर आ चुके हैं रायगढ़ टीम के एक वेल फिनिशर जिनको कहा जाता है, बार क्या काम ले इस वक्त, राइट आर्म ओवर द विकेट, बार क्या काम ले के ऊपर पहली ही गेंद के ऊपर करारा जवाब, ईट का जवाब पत्थर से, टीट फॉर टैट, एक्शन पर रिएक्शन, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। धन्यवाद हमारे मेहमान कुणाल मधुकर भोईर, इनसे गुजारिश रहेगी कि मंच के ऊपर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रिंस इलेवन ट्रॉफी 2021 में। इस वक्त यहाँ पर आक्रामक तौर पर बल्लेबाजी हो रही है, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज एक सलामी के लिए आए थे, बल्लेबाज कुणाल कोहली जिनका बल्ला गर्म हो चुका है, यानी कि एक्सेलेरेटर पर ताव लगाया है उन्होंने। बार क्या कामले के खिलाफ इतना लंबा चौड़ा छक्का लगाना आसान बात नहीं है, इनके पास वेरिएशन है और एक व्यावसायिक क्रिकेट खेलने का अनुभव इनके पास है, अनुभवी गेंदबाज के सामने एक लंबा छक्का दागा इन्होंने, बिल्कुल ये गेंद बाहर निकाले थे 1 रन दूसरी के लिए और थ्रो यहाँ पर थोड़ा सा गलत फेंका, नतीजा बल्लेबाजों ने एक चतुराई के साथ सिंगल को पूरा किया। टीम का टोटल सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन कुल मिलाकर बन चुके, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके और गेंदबाजी के लिए बार क्या कामले इस वक्त तैयार। तो स्ट्राइक एंड के ऊपर
अब बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय देशमुख, दोनों तरफ से आक्रमण ही हो रहा है। यहाँ पर अक्षय देशमुख की बात करें, एक चौवा एक छक्का भी लगाया है उन्होंने। राइट आर्म ओवर द विकेट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर जय पवार सर हमारे और घूमते हुए और कहते हुए ये वाइड बॉल है, क्रिकेट के लॉ नंबर 23 में नहीं बैठ रहा है, यानी कि वाइड बॉल करार दी और टीम का टोटल एक से आगे बढ़ता हुआ 24 रन दो विकेटों के नुकसान के बाद साई सार्थ गवान क्रिकेट टीम का टोटल। इस बीच थोड़ी सी आगे गेंद ढीली हाथ से फेंकी थी, बिल्कुल गेंदबाज बार क्या काम ले, अपने माया जाल में फंसाया। एक और डॉट बॉल, डॉट बॉल का जो सिलसिला है वो रोकना जरूरी है इस वक्त गवान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के माध्यम से। स्कोर कार्ड को बिजी रखना जरूरी है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक सीधा स्टेज पर आता हुआ। टीम का टोटल अब इस छक्के के साथ मानो कि जैसे बंदर जैसे एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, वैसे छलांगे लेता हुआ नजर आ रहा है। टीम का टोटल 30 रन स्कोर बोर्ड पर, 38 रन जीत के लिए। एक और स्टेट डाउन द ग्राउंड भी शेप में ये गेंद को खेला था, डाउन द भी ग्राउंड आती हुई ये गेंद, इस गेंद को परेश मात्रे ने फील्ड करे तब तक सिंगल बल्लेबाजों ने चुराई और टीम का टोटल एक से आगे बढ़ता हुआ 31 रन। धीरे धीरे यहाँ पर देखिए टीम साई सार्थ अंडर 22 गवान टीम थोड़ी सी जीत के नज़दीक जाती हुई, यानी कि ये मैदान की अगर मैंने कहा था साझेदारी पर अपनी जरूरी है, भागीदारी क्रिकेट और बिजनेस में अगर अच्छी हो तो फिलहाल माला माल हो सकते हैं, वैसे ही इस मैदान के अंदर वही हो रहा है। ये बढ़िया गेंद, गेंद को खोद के निकाला, इस ओवर में ये तीसरा रन बनाता हुआ छक्का आ चुका है। और यहाँ पर हमारे मेहमान प्रणीत दादा पाटिल, विनय दादा भोयर, दिनेश दादा पवार, यहाँ से गुजरते हुए आपने इस श्रृंखला के लिए कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत इस श्रृंखला के माध्यम से। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर 37 रन, अब आने वाली 12 गेंदें दोस्तों बाकी है, 31 रनों की आवश्यकता। जो मुकाबले का पगड़ा भारी दिख रहा था बिल्कुल जय हनुमान कामोड़े क्रिकेट टीम का, वो पगड़ा अपने भारी किया इस वक्त साई सार्थ अंडर 22 गवान क्रिकेट टीम। मैंने कहा था ये टीम बड़ी बड़ी श्रृंखला में बड़ी बड़ी टीमों को हार का पानी पिलाया है, इनके पास भी लड़ने की क्षमता है, फ्रीडम फाइटर इनमें भी है। मिडल ऑर्डर के जो बल्लेबाज आए अक्षय देशमुख, जिन्होंने बिल्कुल ताकत के साथ पूरे अपने पास गुणवत्ता थी वो सादर करते हुए, एक दो छक्के एक चौवा और एक सिंगल की मदद से। व्यक्तिगत बात करेंगे तो 17 रनों की योगदान देते हुए, और कुणाल कोहली व्यक्तिगत की बात करेंगे तो 9 गेंदों में 19 रनों का एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही है। ये जोड़ी अगर फोड़ने में कामयाब कामोड़ी क्रिकेट टीम नहीं रही तो फिर महंगा, यानी कि मुसीबतों का एक पहाड़ गिरेगा इस कामोड़ी क्रिकेट टीम के लिए। इस वक्त जिस गेंदबाज ने पहला ओवर 5 रनों का डाला था और 2 विकेट अपने नाम पर किए, वही एक गेंदबाज इस टीम के मेन खिलाड़ी चाइनामैन गेंदबाज जिनको माना जाता है, गेंदबाज निखिल गोवारी। राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्लेबाज अक्षय देशमुख के सामने खड़ा कर दिया इस गेंदबाज को। आउटसाइड द ऑफ स्टंप फिर से एक बार यहां पर दूर रखने की कोशिश और वाइड बॉल का इशारा और टीम का टोटल अब 38। अब 12 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता, प्रति ओवर 15 की रिक्वायर्ड रन रेट बन चुकी है, यानी कि 21 रन बारक्या कामले के ऊपर आने के कारण ये रनों का पीछा अब आसानी के साथ हो रहा है। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद गैप में निकलती हुई नजर आ रही है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को फरार होती हुई और नंबर 4 के लिए गेंद। बिल्कुल
गुलाब टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर आ चुका है 42 रन, 26 रनों की अभी तक आवश्यकता, 11 गेंदे 26 रन। इस वक्त तैयार, बढ़िया गेंद डाली इस वक्त, इस समय में टीम का टोटल वही के वही रुकता हुआ। अब 10 गेंदे बाकी है जीत के लिए, ये बात करेंगे तो 42 रनों की आवश्यकता। निखिल गोवारी एक कमबैक भी कर सके, विकेट टेकर गेंदबाज माने जाते हैं अपने टीम के, तैयार हो चुके हैं। ये दिशा से भटकती हुई, और ये देखिए यहां से एक चीकी सिंगल नहीं छोड़ा दूसरे के लिए, और इस क्या कम्युनिकेशन की तालमेल, अंपायर का इशारा वाइट प्लस 2, टोटल बने 3, सामने वाले टीम को रन कैसे भी आए लेकिन रन आने जरूरी है। ये है एक रन को 2 रन में कन्वर्ट, 2 रन को 3 रन में कन्वर्ट, ये करना जरूरी है। चतुराई होनी चाहिए, चुस्ती और मुस्तैदी के साथ रनों को पूरा किया है टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 45, जीत के लिए अब 23 रनों की आवश्यकता, जीत के करीब आती भी नजर आ रही है। जो मुकाबले का पगड़ा कामोटे टीम ने भारी करके रखा था, उस पगड़े को हल्का किया और कामोटे टीम के ऊपर ही दबाव बना दिया है। यह है खेल, इस क्रिकेट का नाम, इस खेल का नाम है क्रिकेट दोस्तों। इसीलिए क्रिकेट में कुछ किसी की भी भविष्यवाणी सच साबित नहीं हो सकती, ये खेल है दोस्तों, भावनाओं से जुड़ा हुआ, इमोशन से पल में ये खेल आपको राजा बना देता है, पल में रंग, पल में आपको हीरो तो पल में जीरो बना देता, इसी का नाम है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये खेल क्रिकेट। इस वक्त निखिल गोवारी के ऊपर मेंटली प्रेशर, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव बन चुका है। अब गेंदे फेंके तो कैसे फेंके, 23 रनों की अभी तक आवश्यकता, इस वक्त 10 गेंदे 23 रनों का इक्वेशन बन चुका है। ओ, बाहरी सिरा, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई, और अक्षय देशमुख की ये गलती शायद एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है टीम गवान क्रिकेट टीम के लिए। हमारे मेहमान घनश्याम जी घरत, इनसे गुजारिश रहेगी कि मंच के ऊपर आइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त यहाँ पर वापसी का यहाँ पर बिगुल बजाते हुए, यहाँ पर पूरी तरीके से मुकाबला अभी तक दोनों टीम के लिए बैलेंस है, कुछ भी हो सकता है। और गेंदे बाकी है 9, और टीवी स्क्रीन के ऊपर देखिए 23 रनों की अभी तक आवश्यकता, कुछ बना भी नहीं है, बिगड़ा भी नहीं है, आपको यहाँ पर गवाने के लिए नहीं जीतने के लिए ही आ चुके हैं। देखना होगा कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी। इस बार ये देखिए लॉन्ग ऑफ रिजन में गेंद रुकेगी नहीं, गेंद फील्डर के ऊपर से एक्स्ट्रा बाउंस हुई, गेंद किसी मारे का पार 4 रनों के लिए। मान कुणाल जी भोईर और घनश्याम जी घरत, इनसे गुजारिश रहेगी मंच के ऊपर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बीच हेलीकॉप्टर लुक देने की कोशिश, फील्डर डीप में है जरूर, वहां तक पहुंचने के लिए दूसरे की मांग, लेकिन ये तालमेल, और 50 का आंकड़ा छू चुकी है साई सार्थ गवान क्रिकेट टीम। अब जीत के लिए हमारे स्कोरर दोस्त बताएंगे कि यहाँ पर 18 रनों की अभी तक आवश्यकता जीत के लिए। इस ओवर की एक गेंद बाकी, अंतिम गेंद शेष, 7 गेंदे 18 रन, इस गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आना जरूरी है, नहीं तो आखिरी ओवर में दबाव स्वरूप वाली चित्र देखने के लिए मिल सकता है। ओ यहाँ पर देखिए बाहरी सिरा लगा, थर्डमैन से एक फील्ड फील्डिंग रोशन मात्रे की,
लेकिन बैकअप अच्छा वहां पर आया और तब तक बल्लेबाजों ने एक सिंगल पूरी की। सिंगल के साथ चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चार ओवर के समाप्ति के बाद 51 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, विकेट गिर चुके हैं यहां पर तीन विकेट गिरने के बावजूद भी एक तरफ से जो फ्लाइंग स्टार शुरुआत के ओवर में दे नहीं पाए, लेकिन अब जो मध्य क्रम की जो ओवर है उनके ऊपर आक्रमण करते हुए यहां पर बल्लेबाज कुणाल कोहली काफी बढ़िया तरीके से आखिरी ओवर जो गेंदबाज आखिरी जो गेंदबाज थे बिल्कुल उनको थोड़ा से चोटिल होने के कारण यहां से एक गेंदबाज की कमी नजर आएगी शायद कामोटे क्रिकेट टीम के बीच में। अब बीच में एक थोड़ी सी शॉर्ट मीटिंग होगी, एक अलग रणनीति, अलग गेंदबाज का इस्तेमाल और नई सोच, एक नया गेंदबाज, एक पार्ट टाइमर गेंदबाज को फुल टाइमर यूज करना पड़ेगा। स्पीडअप करे मुकाबला अंपायर, देखिए फील्डिंग की रचना करे तुरंत बगैर टाइम पास के साथ और मुकाबला कौन सी भी टीम जीते कौन सी भी टीम हारे लाइनअप करके ही मैदान छोड़े, लाइनअप करके ही मैदान के अंदर एंटर हो और शेक हैंड करके ही मैदान छोड़ना जरूरी है। खास तौर पर एक बड़ी आयोजन किया जा चुका है। चलिए चलिए कामोड़े क्रिकेट टीम ज्यादा वक्त जाया ना करे, इस वक्त शायद जिस गेंदबाज की राह जिन्हें चोटिल हुए की कमी नजर आ रही है तो तुरंत चलिए उस शायद मैदान के अंदर आए ना आए उसकी राह देखना नहीं चाहिए। देखिए बारक्या कामले इस वक्त क्या स्पोर्टिंग क्रिकेटर क्रिकेट देखिए क्योंकि इंजर्ड है आपका खिलाड़ी, एक मैच उनको रेस्ट करना जरूरी है। तो इस वक्त आप फील्डिंग की रचना आने वाली छह गेंदे दोस्तों समीकरण जीत का बन चुका है। अब इस वक्त 17 रनों का 17 यानी खतरा, किसके लिए खतरा होगा और किसके लिए जीत का माहौल होगा यहां पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला है एक बिग बैटल बिग फाइट एक महायुद्ध एक घमासान युद्ध देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल माहौल अंबापाड़ा विपक्ष सांभारली क्रिकेट टीम, एक बंबई की ताकतवर टीम तो एक रसायनी की नामचीन जिसमें रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बिल्कुल रजत मुंडे शामिल है। और इस वक्त मैदान के अंदर खेल का वातावरण इस तरीके का है, छह गेंदे 17 रन, फील्डिंग की व्यूहरचना बदलती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर दबाव दोनों टीम के ऊपर, लेकिन दबाव रहेगा अंपायर्स के ऊपर, दबाव रहेगा कॉमेंटेटर्स के ऊपर, दबाव रहेगा यहाँ पर हमारे आयोजककर्ताओं के ऊपर, लेकिन इस मुकाबले का आस्वाद आनंद हमारे प्रेक्षक माँ बाप आजादी से ले सकते हैं। स्पीड अप करें मुकाबला, गेंदबाजी के लिए सोनू पाटिल को निमंत्रण दिया जा चुका है। क्या ये छह गेंदों में 17 रन रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल। ओवर द विकेट, पहली ही गेंद के ऊपर स्लैग से स्वागत किया सोनू पाटिल का, बल्लेबाज कुणाल कोहली ने आक्रमण कर दिया। आप सोचने पर मजबूर कर दिया है गेंदबाज सोनू पाटिल को। कुणाल कोहली का इंजन गर्म हो चुका है, इनकी गाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह आवाज आ रहा है, रम पम पम, गाड़ी जाकर ही रुकेगी गवहान में शायद, जीत की बिगुल बजाकर। आने वाली पांच गेंदे 11 रनों की आवश्यकता, स्कोर लेवल रहता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। इस वक्त दबाव महसूस हो रहा है कावड़े क्रिकेट टीम के ऊपर। बढ़िया गेंद, थोड़ा सा टर्न किया था इस गेंद को, गेंद बाहर निकली और इस वक्त स्ट्राइक बदलने की कोशिश, लेकिन ये विकेट मिलता हुआ।
टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर बन चुका है इस वक्त यहाँ पर 57 रन, 11 रनों की आवश्यकता अभी तक, 11 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदे, 11 रन, क्या होगा? कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी, कौन सी टीम हार का मातम? या कामोठे या गवहान, या गवहान या कामोठे, 4 गेंदे, 11, 11, 4, ऐसा समीकरण। ओ आगे खिलाई गेंद को, जितना आगे खिलाए बल्लेबाज को फुटवर्क करने का मौका ही नहीं दे रहे। अब मुकाबले में दबाव महसूस करेगी गवान क्रिकेट टीम, चाहे तो ये मुकाबला कुणाल कोहली दो ही गेंदों में खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आखिरी गेंद के ऊपर भी आ सकता है। 3 गेंदे, 11, ओहो बढ़िया गेंद, क्लोज विकेटिंग, विकेट कीपर आने के कारण फुटवर्क करने का मौका। ये रणनीति है कामोठे क्रिकेट टीम की, फिर से एक बार मुकाबले में वापसी का भी गोल बजाया जा चुका है। कमाल की पहली गेंद के ऊपर एक मैजिकल स्पेल घटता हुआ, सोनू पाटिल 2 गेंदे, 11 रन, मुकाबला पसंद आया तो जोरदार तालियों के साथ पहले स्वागत करें दोस्तों। दोनों तरफ से आग बराबर की लग चुकी है, कहां से मुकाबला यहां पर यू टर्न कर सकता है देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा टर्न हुए, अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल, अभी भी मुकाबले में जिंदा है गवहान क्रिकेट टीम। 2 गेंदे, 10 रन, 2 गेंदे, 1 छक्का, 1 चौवा, 2 छक्के, मुकाबले में जीत कंफर्म, 1 छक्का, 1 चौवा। 2800 दर्शक इस मुकाबले का लाइव आस्वाद ले रहे, उन तमाम दर्शकों का स्वागत। ओहो फुल टॉस थी, कैरी नहीं कर पाए, फील्डर तैनात जरूर है, बाहर क्या काम ले, कहां पर देखिए गेंद को लेने के लिए मिड ऑन क्षेत्र में, और विकेट का पतन। इस वक्त अब जीत के लिए, हो ये गेंद हवा में आती हुई, छक्का, आखिरी क्षणों में इस मुकाबले को जीत लिया गवहान क्रिकेट टीम। कहां आपने गलती की, शायद मिस फील्डिंग जरूर हुए थे आपकी, और अतिरिक्त रन जो थे उसी के कारण एक थोड़ा सा क्लोज इनकाउंटर हुआ, गलती जरूर आपसे हुई, इसका अभ्यास करिए कहां गलती हुई। और आप यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रनों से हारे, ज्यादा मार्जिन नहीं, सिर्फ 3 रन। वैभव पाटिल ने बिल्कुल आयोजक करता, क्या छक्के के बाहर शायद गेंद जाते हुए बचाई, तो स्वागत इस मैच के मैन ऑफ द मैच। शेक हैंड करते हुए मैदान छोड़ते हुए, और टॉस जीती है माहौल अंबापाड़ा टीम, आप भी लाइन अप करके